तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट्सएप के एक नए अपडेट के बारे में, या फिर बोल सकते हैं व्हाट्सएप के नए कमाल के नए फीचर के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा बिग चेंज फीचर है। जैसा कि आपको बता हुआ, व्हाट्सएप का नया चैनल अपडेट आ चुका है। मतलब कि व्हाट्सएप ने एक नया फीचर लॉन्च कर दिया गया है जिसका नाम है चैनल फीचर। ये फीचर सबसे पहले नॉर्मल यूजर को आया, नहीं तो पहले क्या होता, बीटा यूजर को पहले फीचर आता है, बट ये वाले जो फीचर आया है सबसे पहले नॉर्मल यूजर के लिए आया, उसके बाद ये सभी को रोल आउट कर दिया गया है। क्या ये फीचर है, कैसे यूज करेंगे, कैसे आप अपना चैनल उसमें बना सकते हैं, या फिर कैसे किसी चैनल को फॉलो कर सकते हैं, कहाँ ये मिलेगा, ए टू जेड आपको सब आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन लाइक दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले हो सके। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लो। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो सर, जैसा कि बताया, मैं आपको बताना हूँ व्हाट्सएप के कमाल के नए अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले आपको कर लेना है अपने मोबाइल को अपडेट। हो सकता है ये फीचर आपको मिल भी गया हो, अगर नहीं भी मिला हो तो आपको सबसे पहले अपने व्हाट्सएप को अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद खोलेंगे तो ही आपको ये मिलने वाला है, तो उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ जाना है अपडेट वाले सेक्शन में, या बोल सकते हैं स्टेटस वाले सेक्शन में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया आपको, यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको देखेंगे नया लुकआउट मिल रहा होगा स्टेटस वाले सेक्शन में। सबसे ऊपर जो आपको स्टेटस मिलेंगे वो सब आपको ऊपर यहाँ पर मिल रहे होंगे। जो आपको नॉर्मल स्टेटस मिलते हैं, आपको देखना हो तो आप यहाँ पर क्लिक करके स्टेटस को ऐसे करके चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको मिलेगा कि जो म्यूट, मतलब जो कि आपने म्यूट करके रखे होते हैं, वो स्टेटस कहाँ दिखेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ थ्री डॉट्स पर क्लिक करना होगा, यहाँ म्यूट अपडेट पर जाएंगे तो जो भी आपने म्यूट कर रखे हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये तो नॉर्मल सा अपडेट है, ये मतलब ये नॉर्मल सा बस लेआउट चेंज कर दिया गया है उसका, वो ऊपर की जगह नीचे की जगह उसको ऊपर कर दिया गया। अब यहाँ पर मेन चीज करें चैनल वाला सेक्शन, जो कि आपको मिड में मिल रहा होगा। ये वाले सेक्शन में जो आपने चैनल को फॉलो करके रखा हुआ वो आपको यहाँ पर मिलेंगे, और उसके नीचे वाले सेक्शन में आप यहाँ पर चैनल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो आपने फॉलो करके रखा हुआ, जैसा कि आप देखेंगे इसका लास्ट यहाँ पर आ चुका है 300 मैसेज, मतलब इसके अभी अभी आए जो मैंने इसको पढ़े नहीं। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वो यहाँ पर रीड होने को मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं ये आपको मिल जाएगा। ऐसे ही व्हाट्सअप की तरफ मैंने फॉलो कर रखा है तो व्हाट्सअप का आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो ये चैनल का मतलब क्या है, चैनल का मतलब ये है दोस्तों, जैसा कि आप इस चैनल पर जाएंगे, चैनल पर जाने के बाद यहाँ पर आप जाएंगे प्रोफाइल में, तो आप देखेंगे इस चैनल को पब्लिक चैनल है। सबसे पहली बात कि इस चैनल को पब्लिक करा हुआ है, आपकी प्रोफाइल क्या क्या दिखने वाली है। यहाँ पर ना आपका मोबाइल नंबर जाएगा इसको, ना आपका फ़ोन नंबर नहीं जाएगा, सिर्फ आपकी यहाँ पर फोटो ही दिखेगी। तो ये आपकी प्राइवेसी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और आप देख सकते हैं इसमें कितने फॉलो लोग कर रहे हैं, कितने लोगों ने इस चैनल को, आप देख सकते हैं कितने लोगों ने इस चैनल को फॉलो कर रखा है, 50 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसको यहाँ पर फॉलो कर रखा है। तो यहाँ पर आपको ये सब दिख रहा होगा, आप चाहें तो अनफॉलो करना चाहें तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। अब ऐसे ही अगर आपको ये तो हो गया, आपको नॉर्मल जो आपने फॉलो कर रखे हैं, अगर आपको किसी और चैनल को फॉलो करना है तो ये नीचे आपको सजेशन मिल रहा है, जैसा कि लिखा है फाइंड चैनल, ये आपको बाय डिफॉल्ट आपको सजेशन मिल रहा है। और अगर आपको इसको और देखना है यहाँ पर सी ऑल पे करेंगे तो पूरे के पूरे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं आपको किसी को भी फॉलो करना है, बस आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है प्लस पे और वो फॉलो पे हो जाएगा। अनफॉलो करना है, वापस वहीं पर क्लिक करेंगे और अनफॉलो हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये वर्क करेगा। बहुत सारे चैनल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, आप चाहे मोस्ट एक्टिव चैनल पे जाएं तो ऐसे फाइंड कर सकते हैं, न्यू पे जाएं तो न्यू फाइंड कर सकते हैं, पॉपुलर पे जाएं तो पॉपुलर फाइंड कर सकते हैं, देन इंडिया पे जाएं, मतलब ये आप यहाँ पर कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस किस कंट्री की आपको यहाँ पर दिखें। और आप चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके भी, मतलब यहाँ पर सर्च कर भी सकते हैं, जैसे कि मैंने न्यूज़ लिखा तो न्यूज़ रिलेटेड जो भी चैनल होंगे सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर फॉलो कर पाएंगे। अब मेन एम है, अब ये इस तरीके, ये जो फीचर है एक किस तरीके का फीचर है, जैसा कि आपको पता होगा टेलीग्राम पे एक फीचर होता है जिसमें बहुत सारे लोग चैनल ग्रुप बना लेते हैं और ग्रुप में बहुत सारे चीज़ें डालते रहते हैं, लाइक उस तरीके का कुछ है। इसके अंदर आप फोटो भी डाल सकते हैं, लिंक भी डाल सकते हैं, वीडियोस भी डाल सकते हैं, सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी और बहुत सारे लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। उस तरीके का लाइक ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर अगर आप बात करें आपको बनाना हो तो अभी फ़िलहाल इसमें बनाने का ऑप्शन नहीं दिया, अगर बनाने वाला ऑप्शन आएगा तो ये चैनल के अंदर यहाँ पर ऐड का ऑप्शन आएगा, अभी यहाँ पर सिर्फ फाइंड का आ रहा है, तो यहीं कहीं यहाँ पर ऐड ऑन का ऑप्शन होगा। फिलहाल ये बड़े यूज़र के लिए आया है, मतलब बड़े यूज़र मतलब जो बहुत बड़े ब्रांड हैं लाइक नेटफ्लिक्स, न्यूज़ 18, जो बड़ा ब्रांड है ना सिर्फ उन्हीं के लिए ही आया है, और अभी छोटे मतलब नॉर्मल यूज़र्स के लिए अभी नहीं आया है। बहुत जल्दी नॉर्मल यूज़र्स के लिए भी आ जाएगा और सब इसको क्रिएट करके इसका यूज़ कर पाएंगे। मेन बात करें बहुत ही शानदार फीचर था, और आप इस लेआउट को चेंज आउट करना चाहते हैं तो वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये कंपलसरी है और यह
हटने नहीं वाला। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई और आप मुझे कमेंट कर जरूर बताना कि ये फीचर आपको अभी तक मिला या नहीं मिला। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर डीएम करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन पे अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक यू।